तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए दीवाना तेरे लिए सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तेरा हीरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आपका भाई वहीद आपको वेलकम करता हूँ 2024 का पहला कलेक्शन उमर फारूकी फार्म से डान कुनी। इससे पहले मैंने आपको पगला हाट बागबाड़ी का दो फार्म्स का दिखाया, तो मैं आपको शौक इस बार बरकरार रखूँगा और शौक बरकरार रहना भी चाहिए। जिसका जो ये गाय का शौक करता है काउस का शौक रहता है वो सौ पूरे साल इस शौक को बनाए रखना है इस बार, और आपको अलग अलग जगह के बारे में अलग अलग कलेक्शंस के बारे में आपको दिखाते रहेंगे। और ये आपका पहला कलेक्शन आपका भाई पहुंच चुका है डान कुनी उमर फारूकी खटाल में। सलाम भाई लोग, और आपके भाई को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। और आपका भाई ये नया कलेक्शन के साथ आ गया, देखिए भाई फर्स्ट लुक उमर फारूकी फार्म का। और ये देखिए भाई साहब ये खूबसूरत जानवर, एक से बढ़कर एक एनिमल्स है इनका कलेक्शन है। और अभी से जानवर का देखिए खूबसूरती, देखिए इस जानवर का क्या खूबसूरती है, मतलब पुड से लेकर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखिएगा तो मतलब मस्त है। और जब पूरा अभी साल बड़ा हुआ है, जब ये कलेक्शन पूरा बन जाएगा तो लेवल तो आपको पता ही है उमर फारूकी भाई का फार्म का एक अलग ही लेवल का एनिमल्स रहता है। पूरे दानकुनी में बहुत कम ही जगह है जो मैचअप कर सकता है इनके फार्म से, तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है भाई साहब। और आपको दिखाएंगे हम मतलब क्या लेवल का जानवर सब है यहाँ। तो ये देखिए और एक जानवर, बहुत अच्छा पोट, बहुत अच्छा बनावट, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ, पूरा प्योर वाइट कलर में। और आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं पूरा आपको जैसे ड्रोन गल होता है उस तरीका से कोशिश किया ऊपर से नीचे तक आपको दिखाऊं इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और मतलब किस लेवल का जानवर है। आप सोचो जब ये बन जाएगा तो आपका किस लेवल का जानवर होगा। और ये बगल वाला ब्राउन जानवर को देखिए, ये देखिए भाई साहब स्ट्रक्चर देखिए, ये जानवर अभी कुछ बनना बाकी है। आपको पहले से दिखा रहे हैं, जब बन जाएगा तो फिर कुछ महीनों बाद फिर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि लेवल किस तरीका से किया। इसका झालर, इसका सीना और ये मुंडी जानवर है, बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत अच्छा ब्राउनिश में, और मतलब क्या बोले आपको, अलग ही लेवल का जानवर है। और उनका तो चॉइस आपको पता है इस फार्म में बहुत ही उम्दा जानवर रहता है और हट के जानवर सब रहता है। और ये देखिए भाई साहब ये तीन नंबर जानवर को देखिए, ये भी अपने में लेवल में है, चौड़ाई है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं कोई। आप उसका दुम देखिए, इसका पुड देखिए किस लेवल का ये जानवर है, और कलेक्शन आपका इसमें भरा हुआ है। ये देखिए पुड देखिए पूरा ऑलमोस्ट बना हुआ है, और थोड़ा सा जब इसका लेवल और बढ़ेगा तो आप सोचिए क्या लेवल में जाने वाला है भाई साहब, मस्त है जानवर। तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन में कि आपको स्टार्टिंग से आपको एंडिंग तक जानवर सबको दिखाऊं कि क्या क्या लेवल का कलेक्शन कौन कौन फार्म जमा कर रहा है। और भी फार्म्स का कोशिश करूँगा मैं डानकुनी में और दूसरे जगह में और दूसरे हाट सब में भी जाऊँगा आपका कोलकाता के आसपास, और अगर हो सका तो कोलकाता के बाहर, और हो सका तो इंडिया के दूसरे पोर्शन में भी। तो आप देखो जानवर सब देखो कितना खूबसूरत है, अलग ही लेवल का जानवर सब है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, पैर का मोटाई देखिए, ये जानवर सब वेट ले सकेगा, एक अलग लेवल में जाएगा, खूबसूरती अलग ही है इनका, वाइट प्योर वाइट कलर में। और देखिए भाई साहब पुड देखिए, आप पुड देखिए भाई साहब कितना खूबसूरत पुड है। तो यही ऐसे इसमें और भी बहुत जानवर है, ये कुछ आपको जानवर दिखाए जो ऑलमोस्ट थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर में बना हुआ है, और कुछ जानवर सब अभी आया है। तो
तो दिखाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बनना बाकी है। जब बनेगा तब देखने का मज़ा ही कुछ और होगा भाई साहब। तो इसी वजह से फिर भी मैं आपको ग्लांस दिखाऊंगा उस जानवर सबका, तो आप बने रहिए वीडियो में और हम मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब कितना खूबसूरत जानवर है, हाइट से लेकर स्ट्रक्चर, शेप, फेस कट, सब कुछ अच्छा। तो और देखिए जहाँ पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पूरा रो है, पूरा रो न्यू है 2024 के लिए, अभी जानवर बना नहीं है। कुछ कुछ जानवर का तो मतलब ऐसा लेवल का पुट सब है कि मतलब जब पूरा जानवर बन जाएगा तो आपको देखने लायक होगा कि वो पुट वाला वो जानवर जब बनने के बाद किस लेवल का जाएगा। इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे, इस फार्म का भी अपडेट देते रहेंगे आपको और दूसरे फार्म्स का भी अपडेट आपको देंगे। आप बने रहिए, शौक को बरकरार रखिए, शौक जिंदा रहना चाहिए भाई साहब। शौक के वही से पूरा मसला है हम लोग का, ये शौक जो है हम लोग के अंदर, इसको बनाए रखना है और अलग से अलग लेवल में इसको लेके जाना है, हाइट में लेके जाना है। और आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, कुछ भी डिटेल अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा और आपका कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का। तो चलिए भाई साहब अब आपको दूसरे साइड में भी थोड़ा दिखाते हैं कि किस किस तरीका का एनिमल्स है यहाँ। और देखिए पीछे में भी काफ़ी सारा जानवर सब है कि जो अभी बना नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब इस रो का एक खासियत है, ये देखिए यहाँ काफ़ी सारा, ये ब्राउन का एक काफ़ी बना हुआ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर का जानवर है, बहुत ही खूबसूरत स्किन क्वालिटी। देखिए स्किन क्वालिटी पूरा चक चक कर रहा है अभी से, खूबसूरत है, झालर बहुत है, सीना निकला हुआ है, बैठा हुआ है तो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जानवर बहुत उम्दा है। तो ये दो रो जो आपको नज़र आ रहा अभी, ये सब में जानवर अभी उतना बना नहीं है, सब फ्रेश जानवर है 2024 के लिए। देखिए भाई साहब ब्राउन वाला जानवर खड़ा हो गया, तो आपको चलिए आपको ऐसे ही दिखाएंगे। अब आपको कुछ जानवर दिखाते हैं जिनका अलग से साइड में रखा हुआ, जिनका बहुत ऊंचा बड़ा बड़ा पुट सब है और हाइट भी है। ये आप सब जानवर देखिए, पुट क्वालिटी वीडियो में तो उतना मैं नहीं दिखा सकता, तो आप इंजॉय कीजिए म्यूजिक वीडियो को और ये पुट सब वाला जानवर सब है और जानवर सब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगा, अल्लाह हाफिज। सुनो ना सुनो ना सुनो।